रूस और भारत को लेके पूरा विश्व हैरान है कि आखिर ये दोनों कंट्रीज कर क्या रही हैं। कारण इसका यह है कि रशिया के विदेश मंत्री भारत के ट्रिप के ऊपर आ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में। हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। बाहर के लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है मिलिट्री पे, उसी वजह से पुतिन का हमेशा साथ देता है इंडिया। सीधे तौर पर इनकी जो समझ है वो सिर्फ दो तीन चीजों पर आकर टिकी है, मगर बात इससे बहुत बड़ी है। वेस्टर्न मीडिया इस बात को समझ नहीं पा रहा कि रशिया के सेंट्रल बैंक के स्पेशलिस्ट इंडिया में क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा आरबीआई है, उसी प्रकार से रशिया का सेंट्रल बैंक है। ये दोनों स्पेशलिस्ट एक साथ बैठकर कुछ कर रहे हैं। रशिया के वेपन्स भारत के लिए पास्ट में बहुत बड़ा मुद्दा थे, मगर आज के टाइम भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। यहां पर मीटिंग हो रही है इंडिया के रूपी और रशिया के रूबल के बीच। वॉर जब शुरू हुआ तो भारत का जो रुपया था वो बहुत मजबूत हुआ था और रूबल के सामने उसने बढ़त दर्ज की थी, मगर अब ये वापस अपनी जगह पहुंचता जा रहा है। मगर ये जो ट्रेंड है ये भारत के फेवर में हो या ना हो, मगर डॉलर इसमें बहुत मजबूत हो गया। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से डॉलर के अंदर तो मजबूती आई है जो परमानेंट हो गई, मगर बाकी करेंसीज की मजबूती वापस उसी जगह पर पहुंच गई। मगर साथ ही डॉलर के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है कि ब्रिक्स के ऊपर खबर छपी है, रुपी और रूबल के बीच में जो सिस्टम बनाया जाएगा वो डॉलर और यूरो के बाद में एक नया सिस्टम होगा। हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है डॉलर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अंतिम फायदा डॉलर को और अमेरिका को होता है। रशिया के अगर विदेश मंत्री आकर हाईएस्ट लेवल मीटिंग अगर कर रहे हैं, इसका मतलब वर्ल्ड के अंदर एक नया सिस्टम को क्रिएट करना हो सकता है। भारत के अंदर मीडिया बिल्कुल इसी बारे में चर्चा कर रही है कि ये रुपी रूबल ट्रेड विंडो के लिए ही सब हो रहा है। पिछले दो दिनों में बैटल में बहुत ज्यादा अंतर आया है। पोलैंड पहुंचे थे बाइडेन कि वो ज्यादा शक्ति देंगे, वॉर खत्म करवाएंगे, मगर उन्होंने ऐसी भूल की कि सही में वॉर खत्म हो रहा है उन्हीं की वजह से। बाइडेन के मुंह से पुतिन के खिलाफ दो शब्द निकल गए और इन दो शब्दों के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रतिक्रिया है और हर जगह से ये खबर है कि बाइडेन के लिए ये सारी की सारी चीजें खिलाफ जा रही हैं और इसी को देखकर जेलेंस्की भी मान गए। जेलेंस्की नेटो कंट्रीज और खासकर अमेरिका की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, रशिया के सामने अकड़ रहे थे। उनको लगा शब्दों का हमला करने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है तो ये कभी भी पूरा हमला नहीं कर पाएंगे। अब बात ये आ जाती है कि रूपी रूबल से पहले चाइना सोच रहा था कि युआन और रूबल का आपस में सिस्टम बैठेगा और चाइना का ऑफिशियल मुखपत्र ये बोलता है कि भारत ये सोच रहा है कि किस प्रकार से युआन में ट्रेड किया जाए रशिया के साथ। समय किस तरीके से चेंज होता है, भारत के फेवर में कैसा जाता है, ये उसका साफ एग्जांपल है। चाइना के विदेश मंत्री भारत में आते हैं और आने से पहले कई जगह घूम के आते हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान में ओआईसी में जाते हैं, पलकों पर बिठा के रखा जाता है, उनकी स्पीच रखी जाती है, बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सबके साथ में फोटोएं वगैरह खिंचाते हैं और उसके बाद में काबुल के लिए निकल लेते हैं। वहां पर भी इनका एयरपोर्ट पर काफी आदर सत्कार होता है। एक प्रकार से वो अपना शक्ति परीक्षण करते हुए इंडिया के पास में आ रहे थे कि देखिए हमारे पास में कितनी ज्यादा शक्ति है, मगर यहां पे मामला उल्टा हो जाता है। अब भारत के अंदर जब चाइना के विदेश मंत्री पहुंचते हैं यहां पर बहुत ज्यादा स्वागत नहीं होता, बहुत ही कोल्ड वेलकम होता है। इनको मिलना था मोदी से मगर इनको हवाले कर दिया जाता है अजीत डोवाल और जयशंकर के। नेशनल सिक्योरिटी और विदेश मंत्रालय के मुद्दों के अंदर इनको काफी खींचा जाता है और बोला जाता है कि अपना डीमिलिटराइजेशन करो अक्साई चीन से। मोटे तौर पर चाइना के लिए सेटबैक था। जहां पर भी विदेश मंत्री जाते हैं वहां के प्रधानमंत्री, वहां के जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे मिलते हैं और ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से डॉलर को युआन से रिप्लेस कर दिया जाए। पहली बात तो ये होती है कि इनको मोदी से मिलने का समय नहीं मिलता, मना कर दिया जाता है, मोदी व्यस्त हैं। 2018 के अंदर भी चाइना ने इस प्रकार की कोशिश की थी कि ब्रिक्स के जरिए युआन रूबल का एक्सचेंज सिस्टम सब जगह एप्लीकेबल कराया जाए, मगर वो चला नहीं, इंडिया उसके अंदर शामिल नहीं था। वॉर के शुरुआत के बाद रशिया की तरफ से ये केवल तीसरी विजिट है और पहली दो विजिट भी कैसी थी। एक विजिट उनकी टर्की में थी जहां पर यूक्रेन के साथ में नेगोशिएशंस हो रही हैं, यानी कि टर्की विजिट नहीं माना जाएगा। दूसरी विजिट चाइना के अंदर थी जो कि पहले से शेड्यूल्ड थी कई महीने पहले से। यानी कि इंडिया की जो ट्रिप है ये ही अचानक से बनाई हुई ट्रिप है और ये इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉलर के सामने तकरीबन विश्व भर की सारी करेंसीज गिरी है, पाकिस्तान का तो खस्ता हाल है, श्रीलंका की करेंसीज भी बहुत डाउन हो चुकी है। चाइना इसका अल्टरनेटिव लेकर आया मगर उसका प्लान फेल हो गया इंडिया के अंदर पहुंचते ही। और अब जो बात निकलकर आ रही है वो बिल्कुल साफ है, एक नया अल्टरनेटिव सिस्टम पैदा किया जाएगा और ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है क्योंकि भारत की करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए ये आज तक का सबसे बड़ा स्टेप है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।